शुरू करने वाला इंडोर और आउटडोर पब्लिसिटी के लिए एक सामान्य उद्योग की शुरुआत उन्होंने उस समय की थी, उस समय से मैं जानता हूँ। और आज उस ब्राइट का आईपीओ आ रहा है। सच में ये आत्मनिर्भर भारत की एक उद्योगपति, छोटे से उद्योग से लेके इतना बड़ा उद्योग जिसका आईपीओ है, ये असामान्य, एक सामान्य इंसान योगेश लखानी ने एक असामान्य काम करके दिखाया है। इसलिए भगवद गीता की वो उक्ति उनके लिए करेक्ट है, योग कर्म सुकौशल। ये योगेश कर्म कौशल करके आगे आए और इसलिए, और बस उनका सेवा भाव, उनका जो भी समाज सेवा का कार्य है वो भी ऐसा ही अविरत चलता रहे। और भगवान ब्राइट को और योगेश लखानी को उत्तर उत्तर बहुत ही प्रगति के अनेक सोपान दे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट योगेश भाई एंड ब्राइट। ऐतिहासिक जगह पे खड़े हैं हम, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। एक ऐतिहासिक क्षण योगेश लखानी के लिए, ब्राइट आउटडोर मीडिया लिमिटेड के लिए एक ऐतिहासिक पल। एक ऐसे इंसान की जो एक साधारण इंसान की असाधारण सफ़र की एक दास्तान है, कहानी है। एक कैसे अपने दृढ़ संकल्प से, लगन से, मेहनत से और धैर्य से उसने एक इतना लंबा सफ़र तय किया है, और जिस गति के साथ इसको सालों से पूरी इंडस्ट्री जानती है, पहचानती है। और मैं इससे पहले भी कह चुका हूं कि इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनकी सादगी और इनका मनोबल। जिस सादगी और मनोबल के साथ सबके साथ हाथ मिलाते हुए, मुस्कुराते हुए आगे बढ़े हैं, इन्होंने दिलों को जीता है। और उस वजह से आज ईश्वर ने इनको इतना बड़ा मकाम दिया है, और वही सादगी आज भी इनमें वाबस्ता है। आप जब भी इनसे मिलेंगे, जहाँ भी मिलेंगे, जैसे भी मिलेंगे,
और हमेशा मदद के लिए तैयार। ये नहीं कि कभी किसी से मांग लिए और देने के वक्त मुकर गए, ऐसा भी नहीं है। योगेश का हृदय जो है, दिल है, वो बहुत बड़ा है और जैसा मैं कह रहा था, पूरी धैर्य के साथ, अपनी क्षमता के साथ, अपनी लगन के साथ, अपनी मेहनत के साथ वो आगे बढ़ते आए और आज वो दिन देखने को मिल रहा है जो बहुत लोगों का सिर्फ एक सपना भर होता है, ख्वाब होता है और कहीं ना कहीं धूमिल होकर ख़त्म हो जाता है। IPO निकालना अपनी कंपनी का एक बहुत बड़ी बात है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनको सेहतमंद रखे, इनकी मंगल कामना करता हूँ और मेरी शुभकामना इनके साथ है कि जीवन में इसी तरह ये लगातार प्रगति करते रहें। हमने स्टॉक एक्सचेंज में आ गए, क्या कहना चाहेंगे? मुझे, मेरे लिए ब्राइट के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। मैंने जिंदगी की शुरुआत रोड पे न्यूज़पेपर बेच के और सेल्स के फॉर्म रोड पे न्यूज़पेपर की तरह लोगों को दिए हैं। उसमें से मैंने जीरो से हीरो की जर्नी की और 1,00,000 मूवी, 1,00,000 अवार्ड इवेंट्स और 43 ईयर्स की जर्नी के बाद, हार्डवर्किंग के बाद मुझे ये मुकाम आया कि मेरा खुद की कंपनी का IPO लॉन्च हुआ है और ऐसे मार्केट में लॉन्च हुआ और इस तरह से अच्छा डबल 1.90% लोगों ने पैसा भरा और रिस्पांस दिया। तो मैं सभी का, मतलब भगवान का, माँ बाप का, मेरे टीम का, मीडिया का, PR का और सभी लोगों का शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने मुझे इस तरह इस लेवल पे लाने के लिए मदद की। सर, क्यों ऐसा फील हुआ कि अब IPO में आना चाहिए? क्योंकि मैंने देखा कि अगर मेरे को बिजनेस ऑल ओवर वर्ल्ड में बढ़ाना है, डिजिटल करना है, अभी होर्डिंग्स को डिजिटलाइज करते हैं तो उसका बहुत खर्चा है। आजकल देखा है फॉरेन में चलती है LED, सोलर प्रोजेक्ट करना है और मेरे को नए नए टेंडर्स लेने थे, बिजनेस बढ़ाना था, तो मैं अकेला कितना बढ़ा सकता? तो पब्लिक अगर मेरे साथ जुड़ेगी तो मैं मल्टीपल में आगे बढ़ेगा। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे IPO? बस मैं, भगवान करे मेरा अच्छा धंधा चले, मैं आगे पैसा कमाऊँ और लोगों को डिविडेंड दूँ और ऑनेस्टली काम करूँ और डबल मेहनत करूँ और डबल फोर्स में ऑनेस्टी से काम करके भगवान मुझे साथ देवे और मैं लोगों को, मतलब उनकी अपेक्षा में पूरा बढ़ूँ और बस सभी को कमा के दूँ, खुश रखूँ, वादा पूरा करूँ और आगे बढ़ो, समाज सेवा उसके बाद करूँ।